हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका शर्मा रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बना रहे हैं जन्माष्टमी स्पेशल भोग मखाना बर्फी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है और कान्हा जी को भी बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए देखते हैं। मखाने की बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए 50 ग्राम मखाने, 1 कप मलाई, आधा नारियल कद्दूकस किया हुआ, 15 से 20 काजू, 15 से 20 बादाम। सबसे पहले मखाने रोस्ट करेंगे, तो उसके लिए मैंने लिया है कढ़ाई। इसमें हम डालेंगे मखाने, हमें घी नहीं डालना है, हम इनको सूखा ही रोस्ट करेंगे। तो हम इस तरह से इसको चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएं। मखाने अच्छे से रोस्ट हुए हैं या नहीं इसे पता लगाने के लिए हम एक मखाना उठाएंगे और उसे प्रेस करके देखेंगे इस तरह से। तो ये देखिए अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो हम इन्हें एक बर्तन में, अब हम फ्राई पैन में डालेंगे काजू, बादाम और इनको भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। यहाँ भी हमने घी नहीं डाला है, हम इन्हें सूखा ही रोस्ट करेंगे। तो देखिए इनको भी रोस्ट करने के बाद एक बर्तन में अच्छे से निकाल लेंगे। अब हम यहाँ कद्दूकस किया हुआ नारियल रोस्ट कर लेंगे, तो इसे भी हम इसी प्रकार से रोस्ट करेंगे। ये देखिए इसे भी हम थोड़ी देर रोस्ट करेंगे और एक बर्तन में अब हम ग्राइंडर में जो हमने मखाने रोस्ट किए थे वो सब डाल लेंगे, और इसी के साथ जो हमने काजू और बादाम रोस्ट किए थे वो भी इसमें डालेंगे अच्छे से, और इनको ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए हमें इसी प्रकार का पाउडर यहाँ चाहिए, तो हम इस पाउडर को एक बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए ये हमारा पाउडर तैयार है। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें डालेंगे आधा गिलास दूध। यहाँ फ्लेम को हम हाई रखेंगे और दूध को गर्म होने देंगे, और इसमें ऐड करेंगे 1 कप मलाई और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हम फ्लेम को हाई रखेंगे और दूध को अच्छे से बॉयल होने देंगे। ये देखिए दूध को हम इस प्रकार से बॉयल होने के बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मखाना पाउडर, अब हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ नारियल, 1 कप चीनी और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसको इस प्रकार से धीरे धीरे मिक्स करेंगे। मिक्स होने के बाद जो ये मखाना पाउडर है वो दूध में फूल जाएगा और अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। देखिए अब हम इसको इस प्रकार चलाते रहेंगे। यहाँ फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको इसी प्रकार से चलाते रहेंगे। तो देखिए जैसे जैसे ये गर्म होगा उसी प्रकार ये गाढ़ा होता जाएगा। इसको हमें चलाते रहना है। तो ये देखिए टेस्ट को और अच्छा बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा डो तैयार है, ये इसी प्रकार का है। एक बर्तन में इस तरह हम घी लगा लेंगे और जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो इसमें अच्छे से डाल देंगे, और इसे अभी 1 चम्मच की हेल्प से इसको सेट कर लेंगे। देखिए इसको इस तरह हम चम्मच की हेल्प से सेट करेंगे। तो देखिए यह हमारा पेस्ट एकदम अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इस पर डालेंगे पिस्ता, एक स्पून की हेल्प से इनको भी अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ये अभी गर्म है इसलिए अच्छे से सेट हो जाएगा इसमें। अब हम इसे आधा घंटा ठंडा होने के लिए रख देंगे।
तो ये देखिए हमारी मखाना बर्फी सेट हो चुकी है और हम एक चाकू से इस प्रकार पीस बना लेंगे। देखिए काटने से ही पता लग रहा है ये सॉफ्ट है। देखिए एक इसमें मैं निकाल कर दिखा देती हूँ। तो देखिए इस प्रकार से हमारी बर्फी तैयार है। इसी प्रकार हम सारेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी मखाना बर्फी बनकर तैयार है। तो इस जन्माष्टमी आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये कैसी बनी है। मेरी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।